हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पापड़, चिप्स और फ्राई तो आप तेल में तलकर खाते ही होंगे, लेकिन आज मैं इसे बिना तेल के फ्राई करूंगी। तो आइए इसे देखते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करके हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1/2 kg नमक। नमक को हमें इस तरह से चलाते रहना है और जब नमक गर्म हो जाएगा तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। कढ़ाई के ऊपर हम इस तरह से हाथ रख कर देखेंगे, अगर हाथ में हीट लग रहा है तो नमक हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। नमक हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें मैं सबसे पहले फ्राईम डाल रही हूँ और इसे डालकर हमें लगातार चलाते रहना है और गैस के फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे। और आप देख सकते हैं कुछ सेकेंड के बाद यह फूलने लगा है और हमें इसी तरह से लगातार इसे चलाते हुए फ्राई करना है। और जब हम इसे निकालेंगे तो गैस के फ्लेम को लो कर देंगे जिससे यह जले नहीं। और ये हमारा कुरकुरा फ्राईम तैयार है और इसे हम छानते हुए निकाल लेंगे जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा नमक हो वो बाहर निकल जाए। और ये हमारा मार्केट का बना हुआ पानी पूरी है, इसे भी हम नमक में ही फ्राई करेंगे। पानी पूरी को भी हम इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं कुछ सेकंड के बाद यह भी फूलने लगा है। पानी पूरी हमारा अच्छे से फूल गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने पापड़ को नमक में डाल दिया और फिर इसके ऊपर नमक डाल देंगे। कुछ सेकंड के बाद आप देख सकते हैं पापड़ हमारा एक साइड से रोस्ट हो गया, अब इसे पलट देंगे या दूसरे साइड से भी इसे सेंक लेंगे। और ये हमारा क्रिस्पी पापड़ तैयार है, इसे भी हम अच्छे से छान कर निकाल लेंगे। इस बचे हुए नमक को हमें फेंकना नहीं है, जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसे हम डब्बे में बंद करके रख देंगे और जब भी हमें फ्राई करना हो तो इसका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। और ये हमारा पानी पूरी, पापड़ और फ्राईम तैयार है बिना तेल का। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।